जय श्री कृष्णा। मानपूर्ण रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी डेजर्ट, जिसे मैंने बनाया है टोस्ट से, जिसे टोस्ट पुडिंग बोलते हैं। चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप पानी लिया है और आधा कप मैं यहाँ पर ले रही हूँ चीनी। ये हमने इसकी चाशनी नहीं बनानी है, घुलने तक इसको पकाना है, चीनी घुलने तक। ये थोड़ी सी केसर ली है वो इसमें डाल देंगे और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। चीनी घुलने तक हमें इसे पकाना है और हमें इसकी चाशनी नहीं बनानी है, बस चीनी घुलने तक हमें ये सिरप बनाना है। तो अब हमारी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है, तो मैं यहाँ पर अब एक लूँगी एक बड़ा बाउल और उसके अंदर डाल दूँगी मैं 3 कप दूध। बहुत ही ईजी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिया है 4 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर, जो वनीला फ्लेवर में है, वो भी हम इसमें डाल देंगे। और फिर मैंने यहाँ पर लिया है 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर है, वो भी इसमें डाल देंगे। और उसके बाद मैंने यहाँ पर 2 चम्मच चीनी ली है, वो भी इसमें डाल के अब इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारा बैटर अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो एक कढ़ाई लेंगे और उसके ऊपर छलनी रख के हम इस तरीके से छान के ये डाल देंगे और गैस को हम ऑन कर देंगे। उसके बाद लगातार चलाते हुए हम इसे पकाएंगे। इसे पकाने में हमें लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे। तो ये हमारा कस्टर्ड बनकर तैयार हो चुका है, ये हमारा अच्छे से बनकर तैयार हो गया है, एक भी लम्स नहीं आया है। तो अब मैं यहाँ पर लूँगी रस्क, जो मार्केट में आसानी से मिल जाते हैं। तो अब इस तरीके से मैंने एक ट्रे ली है और इस तरीके से हम इनको रख देंगे। और उसके बाद जो हमने बनाया था शुगर सिरप, वो इस पर इस तरीके से डाल देंगे। हमने चाशनी नहीं बनाई है, इसे हमें थोड़ा गर्म ही डालना है ताकि अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। अगर आपको ये जल्दी बनाना है तो आप इसे एकदम गर्म डालें, जिससे कि ये एकदम से जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे टोस्ट। और उसके बाद फिर मैंने जो कस्टर्ड तैयार किया है वो इस तरीके से हम लगा देंगे, इसकी एक लेयर कस्टर्ड की लगा देंगे। और इसके बाद फिर से हम एक लेयर टोस्ट की रख देंगे और फिर हम इसके ऊपर सिरप लगाएंगे। और उसके बाद मैं यहाँ पर लगा दूँगी कस्टर्ड। और ये हम अब गार्निश के लिए थोड़े से मैंने यहाँ पर नारियल का बूरा लिया है गार्निश करने के लिए, और फिर थोड़ी सी चेरी ली है गार्निश के लिए हम लेंगे। आप जो चाहे डाल सकते हैं इसके ऊपर गार्निश के लिए। उसके बाद थोड़े से मैंने पिस्ता लिए हैं और फिर मैं यहाँ पर थोड़े से ब्रेड के क्रम्स जो होते हैं वो मैंने घर पे बनाए थे, वो इस तरीके से डाल देंगे साइड साइड में। तो ये लीजिए, अब हम इसे 2 से 3 घंटे के लिए हम इसे फ्रिज में रख देंगे। अगर आपको ये डेजर्ट जल्दी बनाना है तो हम सिरप को एकदम गर्म डालेंगे, जिससे अच्छे से जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। और उसके बाद कस्टर्ड डालकर हम इसे सीधा फ्रीजर में रखेंगे, जिससे जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगी। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे चैनल कलेक्शन सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं इसी तरीके की नए मज़ेदार वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।